सुबह हो चुकी है और ये व्लॉग कर रही हूँ मैं स्टार्ट। तो दीदी येरी दी क्या कर रही हो? गाइस देखो मुझे ऐसे उठाता है, इधर दिखा ना, देखो एक बार पहले आएगा दीदी के बालों में घुसेगा, देखो परेशान करेगा, फिर कहेगा मुझे खाना खिलाना है। हाँ। खाना खाता है अब भाग गया क्योंकि उसे भूख लगता है ना, तो कोई दिखता नीचे लेटे रहते हैं, यहाँ का हमको जगा देता है सभी लोग। तो देखिए चिल्लाती हैं, तो अभी मैं उठी हूँ बिल्कुल, तो आज अभी मैं उठी हूँ और मैं उठ के बस चूहे को चुआ गया अपने चूहे को कुछ खिला पिला देती हूँ। ले पीले पीले गाइस, मैंने मम्मी के साथ मेहंदी लगाई थी इसलिए मेरा हाथ लाल हो रहा है। और ये सारी स्ट्री चिल्लड़ पार्टी यहीं पर है क्योंकि आज मम्मी जा रही है गांव। आगे बताऊंगी अभी, आपको रुक जाओ, पहले मैं थोड़ी ठीक सी हो जाऊं, मैं कंजड़ी लग रही हूं, कुछ खिला दो, ये परेशान कर रहा है। कैसे खा रहा है? देख कलम मंडी खाने को पास से कर इसे हट गया, कलम मंडी खाने को तैयार है। ले अब दिखा, अब दिखा, बता दूंगी अभी, चुप हो जा। अब निकाल रहा, पेट भर गया बेचारे का, ये टूट रही है। तो हेलो गाइस, तो मम्मी हो रही तैयार, दीदी बताओ। गाइस मम्मी हो रही रेडी, बस होने वाली है, हो गई है ऑलमोस्ट, बस बाल बना रही है नंदो मम्मी के, और फिर उसके बाद मम्मी जाएंगी गांव, और गांव जाएंगी इसलिए क्योंकि आज जा रही हमें भेरी नौतने बोलते हैं, और बाकी जिनको नहीं पता बता देना कमेंट करके, बाकी जहां तक है सबकी शादी में जाते हैं, सबकी मम्मी लेके सबको पता ही होगा क्योंकि इतना मुझे नहीं पता। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको मामा के घर? गाइस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये पकड़ो यूं करके, अब मम्मी अपने पीहर जा रही हैं। गाइस भेरी नौतने जा रही हूँ मैं, तो चाली अपने पीहर आपको दिखाऊंगी आगे कौन कौन जाएगा। पूछ रहे हैं क्या? पूछ रहे पता नहीं, पूछ ले इसे रख, इसे ले प्रिंस देख कर रही है ना, आवाज डाल दी और गाइस अभी इतना सा गुड़ इसलिए है क्योंकि मम्मी आगे रास्ते में से ले लेंगी, वो तो अभी नेक करना पड़ता है ना, लेके जाना पड़ता है घर से, इसलिए मम्मी ने थोड़े मंगवाया था, बाकी रास्ते में से ले लेंगी क्योंकि दिक्कत होती रहे जाने में। तो गाइस बड़ी मम्मी आ गई है, ये बड़ी मम्मी हाय गाइस कर दो, और ये चाची चाची हाय गाइस बोलो, मम्मी हाय। ये मम्मी बड़ी मम्मी और ये चाची हैं, ये तीनों है सब, उन ये हैं बड़ी, फिर मेरी मम्मी है, फिर चाची हैं, दो मम्मी और हैं, वो सबसे बड़ी है, वो आपको आगे व्लॉग में दिख जाएंगी। आगे मम्मी जा रही है ना, तो गाइस मैं तो जा नहीं रही क्योंकि मैं नहीं जा सकती इसमें, तो भाई जाएगा, भाई व्लॉग बनाएगा, ठीक है, आपको आगे दिखा दूंगी मैं। चलो तो ये रही भेली में ये गुड़ होता है ना मम्मी, गुड़ जाता है ना, हाँ खांड की भेली इसमें क्या बोलता है इसमें भेली भेली ओके कौन सी ली है सवा किलो गुड़ मंगाया था सही है। हाँ चलो, और बाकी वहां से ले लेंगे गुड़ ना। चलो जा रही है सारी वो रिताई, अब ठीक हो अपना सांस फूल ला आ जाओ आ जाओ, गीत गाओ एक आध, मुझे लेके नहीं जा रही, बहुत बुरी हो तुम। तो गाइस मम्मी चली गई और मैं आपको ना आगे इसी व्लॉग में दिखा दूंगी, जानते हैं इन्होंने मेरा इतना बनता जा रहे हैं, मैंने तो गाइस मम्मी बंद करियो। तो गाइस मम्मी जा चुकी हैं यहाँ से, और मैं बहुत कह रही थी मम्मी से कि मैं भी चलूंगी, लेकिन मम्मी बोलने लग गई कि उधर जाते नहीं है, मतलब ऐसे अपनी भोली तेरे लिए जा रहे हैं, तो तू जाइए छन लेगा, मामा ने नानी ने सबने मना करा कि नहीं तू नहीं आएगी, आते नहीं है ऐसे कर, इसलिए तो बाकी भाई हैं वहाँ पर, तो मैंने उनसे बोल दिया कि वीडियो बना लेना, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी, मैं जा पाई कोई बात नहीं, बट सांस फूल के पर आई ना, बट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आगे क्लिप में उन्हीं की लगाऊंगी, आप देख लेना, बट मेरा बहुत मन था जाने का।
तो यहाँ पर मम्मी पहुँच गई। मम्मी पहले जाके मंदिर में बैठी थी, पहले ही घर नहीं जाते। यहाँ पर मामा मामी आएंगे मम्मी को लेने, तो यहाँ पर सब बैठते थे। ये जो मम्मी के बराबर में है ये मौसी हैं, जिन्होंने चश्मा लगा रखा है वो हमारी बड़ी मम्मी है, और जो येल्लो साड़ी वो हमारी सबसे बड़ी मम्मी है, और बाकी तो आपको पता ही है, वो सबको मैंने बता दिया था वहाँ पर घर पर आपको। तो यहाँ पर नाना जी मम्मी जी से, सबसे मौसी जी बड़ी मम्मी जी सबसे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आ गए थे हमारे मामा जी, और वो लेके आए थे ढोल मम्मी का स्वागत करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे गांव वाले सब आए थे मम्मी को लेने, क्योंकि घर ऐसे ही जाते हैं, मामा आते हैं, मामी आती हैं, और फिर उनको घर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर सब आए थे हमारे मम्मी के गांव के मतलब सारे, और यहाँ पर मम्मी फिर गले मिली माई से, और यहाँ पर सब डांस करते हुए आए थे मम्मी को लेने। बहुत ही मज़ा आया था, मैं सच में बहुत मिस कर रही थी कि मैं क्यों नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। पर कोई नहीं, बहुत मज़ा आया, मम्मी ने बहुत तारीफ़ करी वहाँ आके, मतलब तो घर आके, क्योंकि मैं तो यहाँ पर थी नहीं उस टाइम। मैंने भी घर आके ही वीडियोस देखी, पर सच्ची में वीडियोस देख के मज़ा आ रहा था, बहुत ही इन्जॉय किया सब ने। यहाँ पर सब डांस करने लग गए थे, मम्मी मौसी माई और बड़ी मम्मी चाची सब यहाँ डांस कर रहे थे, और इनको देख के सब मेरा डांस करने का मन कर रहा है सच्ची में, क्योंकि ढोल पे ना अलग ही मज़ा आता है, बट मुझे ढोल पे डांस भी नहीं आता, बट देख के करने का मन कर रहा है। ढोल बजाते बजाते लेके आए मम्मी को सबको घर पर, मतलब मामी के घर पर। और यहाँ पर मम्मी मम्मी कोई दिख नहीं रही, क्योंकि वो थोड़ी पीछे होंगी, और सब आ रहे हैं। ये है ना हमारे गांव में थोड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, क्योंकि दिख नहीं रही मेरे को मम्मी कहीं भी, पीछे होंगी। हाँ, तो अब यहाँ पर सब घर आ गए थे, मतलब गली में आ गए थे। और ज़्यादा ना भाई वहाँ पर ब्लॉग बना नहीं पाया था, उसके एक दो रीज़न थे इस वजह से, इसलिए कि एक तो ये जो फंक्शन होता है भात नोतने का, गीत वीतों का, ये सारा लेडीज़ों का होता है, तो वहाँ पर भाई ज़्यादा रुका नहीं था, है ना, और इस वजह से वो ब्लॉग नहीं बना पाया। और मैं गई नहीं थी तो मैं ब्लॉग कैसे बनाती। तो उसने रात को जो भी गीत वगैरह हुए थे उसने उस चीज़ का ब्लॉग नहीं बना पाया था। और वहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब औरतें, अगर आपको पता होगा, तो थोड़ा गाली गलौच भी करती है गीतों में, मतलब भगवान गीत का, तो इसीलिए वो ब्लॉग नहीं बना पाया था। बट कोई नहीं, आप ये पूरा ब्लॉग शायद हो सकता है वो बनाएं, मतलब मैं ससुराल में वो बनाएं, क्योंकि उनका पास में तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे इधर ऐसा होता है कि हमारे गाँव में लड़कियाँ नहीं जाती जिसकी शादी होती, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, आप सबको दिखाऊँ, बट कोई नहीं, और सारे फंक्शंस के ब्लॉग मैं बना रही हूँ कंटिन्यू, तो जल्दी जल्दी आपको ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। बाकी आप आगे देखो मम्मी आगे। तो ये जो भी बोल रही थी ये मेरी माई है, बीच वाली माई, क्योंकि मेरे तीन मामा हैं, तो ये बीच वाले मामा की वाइफ है, है ना। और यहाँ पर सब फिर खाना खा रहे थे, ये जो खाना लेके सबको दे रही है ये मेरी मौसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर सब खाना खा रहे थे, क्योंकि जब आ रहे थे मॉर्निंग का है, मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर जो पूड़ी तल रही हैं वो सबसे बड़ी माई है मेरी, और जो बना रही हैं वो भी माई हैं गाँव की, मतलब मुझे इतना नहीं पता, मतलब चाचा ताऊ में आती है मम्मी की। तो यहाँ पर खाना वाना खा के मम्मी आ रही थी, मैंने आपको बताया है कि भाई ने ब्लॉग बनाया तो वो ज़्यादा बना नहीं पाया, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आते टाइम ये सब गीत गा रहे थे, और सुबह खाना वाना खा के मतलब आ गई थी मम्मी नेक्स्ट डे ही। और चलो थोड़ी सी आपको गीत सुना देती हूँ। ये सब क्या गा रही हैं, तो चलो सुनते हैं। ठीक है,
तो चलो बहुत सुन रही आप सबने गीत, क्योंकि यहाँ पर सब गाली गलौज करने लग गए थे तो आपको सुनाना सही नहीं है। तो यहाँ पर यही सब हो रहा था और यही सब गीत गाते गाते सब आ गए घर पर। अब मैं आपको घर की क्लिप्स दिखाती हूँ। तो हेलो गाइस, तो नमस्ते, मम्मी आ गई हैं। गाइस मम्मी आ चुकी है हमारे घर पे और आज मम्मी की एनिवर्सरी है गाइस शादी की। तो गाइस सब मम्मी का एनिवर्सरी कर दो, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, कांग्रेट एनिवर्सरी बोल देना गाइस। और हाँ बस एक चीज है कि पापा नहीं आए तो पापा के बिना आज हम कैसे केक काटे। तो मम्मी कह रही केक मत मंगवा, कुछ खाने पीने कोई बात नहीं, केक काटना जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए हमने कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया, केक नहीं काट रहे, कट कर रहे क्योंकि मम्मी पापा केक। अब क्या पता आ रहे हूँ, फोन करके तो पूछ रुक जाओ, वैसे मुश्किल आएंगे लेकिन पूछ लेती हूँ कॉल करके, अगर पापा आएंगे तो केक कट कर लेंगे। अच्छा एनिवर्सरी विश करोगे ना आप सब, तो इसलिए आपको थैंक यू बोल रही है। ठीक है तो हमारा यहाँ खाना आ चुका, देखो कितना सारा है, मतलब मैंने चिली पाउडर रोल वगैरह ये सब मंगाए हैं तो वो खाएंगे और बाकी आपको आगे दिखा दूंगी। बाय। देख लो गाइस मेरे पूछ भी नहीं रहे। गाइस ये रोल भाभी, ये चिली पाउडर है, ये बर्गर है, हैप्पी। हाँ। हमारी मौसी जी, हेलो मौसी जी, हाय कर दो। हमारी मौसी है, हाय। और हमारी मम्मी और मौसी भी सेम लगती है। चलो गाइस मैं खा लूं वरना खत्म हो जाएगा। कैसा ये कपड़ा? मैंने तो छोड़ दिया तुम्हारा भैया, छोड़ दिया तुम्हारा भैया, सोई नहीं तुम रात को, छोड़ दिया मैंने तो, चुकने हो का गए सब तो चचोल लिए। किसकी एक्टिंग है ये, किसकी एक्टिंग, किसकी एक्टिंग? छोटी वाली माई की बीवी। हाँ। खूब गाड़ी बकी, हमने भी कसम ना रात भर सोए, हमने कसम ना छोड़ी, मैंने भी तुमको छोड़ दिए हमने अपने भैया, अब तुम हमें कहा छोड़ोगे? खूब कही हमने तो मार मार कर ऐसे भागी 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 ऐसे तो मैं एकदम ऐसे, मैंने कहा आप बस गाड़ी गाड़ी और कुछ आवे ना गाड़ी गाड़ी देती रहे मेरे भाभी भैया। देख लो भाई तेरी बुराई कर रही है मम्मी, बुराई ना कर रहे भलाई कर रहे हैं। ये बता दी वहाँ पे क्या क्या हुआ था। हम ना बता रहे कि भाभी हमारी खूब भाग भाग के गाड़ी दी हमको, बीवी शिवानी खूब तेरी माई ने खूब गाड़ी दी भाग भाग के, और गाड़ी दे में और भागे भाग पाए को रही हमको कोई पकड़ रहा वो डर रही कहीं पकड़ ले। हैप्पी एनिवर्सरी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी, दिख तो ना रहे तुम अंदर को जा जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, थैंक यू बोलो, हमारी एनिवर्सरी थोड़ी ना, जो हमारी मौसी बैठी है। केक, हैप्पी एनिवर्सरी पापा, ए हट जा हट, बोले हमारे पापा। हाय गाइस कर दो, हाय गाइस। अरे अरे मम्मी, मम्मी और मौसी एक जैसी लग रही बिल्कुल, क्योंकि कलर भी एक सेम पहन रखा है। सॉल का लिपस्टिक लगा लो, इन्हें लिपस्टिक यार लिपस्टिक लगा लो। यू कह रही है हम मौसी पतली है तो उनकी पतली पतली है। क्या पतली है? लेकिन मैं बड़ी बेशक हूँ लेकिन पतली है, छोटी है इसकी मोटी। आजकल ऐसे होता क्या, छोटी बहन ज्यादा खाती है तो बड़ी बहन कम खाती है, ये हमारी पतली है मौसी। हंसो ना हंसो।
तुम जो ना मेरे ऐसे वीडियो मतलब ना मैं पहली बार बनवा रही हूँ, मुझे शर्म बहुत आती है, आप चीज को बंद कर लो। और ये मौसी जी खा लिया अपने केक, मैंने तो खा भी लिया, खा लिया। तुम ये बनाने लगे, ये खाने में लग रही है। ये दीदी की गैर बनाई है गाइस। हाँ, एक मौसी जी के साथ ही बनाई है। तो चलो कॉमेडी देखने व्लॉग में। हाँ, हमारी मौसी बहुत फनी है, हमारी मम्मी भी फनी है, सब फनी वाला है।